नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। तो आज का ये जो वीडियो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जब भी हम कोई सिस्टम लगाते हैं, चाहे हम कैमरा लगा रहे हैं या फिर अदर कोई बगलरी अलार्म सिस्टम या फिर फायर अलार्म सिस्टम लगा रहे हैं, तो उसके अंदर हमें UPS या फिर इन्वर्टर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन के अंदर दे रहा हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो पहले देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उसके आगे के सवाल के बारे में। जैसे हमने ये डिसीजन तो ले लिया कि हमें इन्वर्टर लगाना है, तो दूसरा सवाल ये आता है कि मैं ऐसा कौन सा इन्वर्टर लगाऊं और वो मुझे कितना बैकअप दे देगा, मतलब वो कितने घंटे चला लेगा अगर पावर नहीं होगा। तो चलिए हमारे आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, वो है भरत_KJN। हर रविवार रात को 9 बजे मैं वहाँ पर आता हूँ, 1-to-1 एक दूसरे के साथ में बात करते हैं, आपके और मेरे खुद के नॉलेज को हम वहाँ पर बढ़ाते हैं। तो अभी तक अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं हर रविवार रात को 9 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हमें थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बंदे, और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक। तो हमें जितना हमारे बिजनेस में हमें रिक्वायरमेंट है, उतनी चीज़ें हमें समझनी है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेगमेंट पूरा अलग है और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट पूरा अलग है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हमें जो काम आने वाली है उसको समझना है। तो जब भी हम इन्वर्टर लगाने का प्लानिंग करते हैं, अगर आप UPS लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है, तो इस हिसाब से आपको बैकअप मिल जाता है। लेकिन आप ये तो नहीं बता पाओगे कि वो जो UPS है वो कितना चलेगा, ठीक है? तो UPS जो आते हैं, ज़्यादातर जो UPS होते हैं उसके ऊपर एक चीज़ लिखी होती है, मोस्ट ऑफ UPS के अंदर लिखा होगा 600 VA या फिर ऑब्लिक करके 380 वॉट, ओके? और जब भी हम इन्वर्टर लेने का प्लान करते हैं तो वहां पर भी हमें पूछा जाता है कि आपको कितने KVA का इन्वर्टर लेना है। तो अब ये KVA क्या होता है? KVA का मतलब होता है लोड, कि आप उस इन्वर्टर पर कितनी वॉट की चीजें चलाने वाले हैं। में एक होता है V और एक कहता है W, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं W की। तो हमें यह देखना है कि हमारे पास में कितना कंजप्शन है, कितना लोड है कि मैं उस इन्वर्टर पर डालूं तो वो इन्वर्टर चला ले, ओके? तो यहां पर हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, हम हमारे CCTV सिस्टम्स के अंदर अगर बात करें तो यूज करते हैं वहां पर एक DVR या फिर NVR, फिर यूज करते हैं हम लोग कैमराज, इसके बाद में हम यूज करते हैं LCD या LED मॉनिटर। ये तीन चीजें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन उसके साथ साथ में छोटी छोटी चीज़ें होगी, जैसे कि हार्ड ड्राइव होगी, अगर आपने कोई स्विच लगाई है, अगर NVR IP कैमरे का काम करें, अगर आपने वहाँ पे स्विच लगाई है तो स्विच। तो हर एक डिवाइस जो होती है वो कुछ पावर कंज्यूम करती है, वो W के अंदर पावर कंज्यूम करती है। तो कई डिवाइस के बॉक्स के ऊपर लिखा होगा, आपको मिल जाएगा कि उसका पावर कंजप्शन कितना है, उसका W कितना है। अगर बॉक्स के ऊपर नहीं लिखा होगा तो उस डिवाइस की डेटा शीट होती है, कोई भी कैमरा या फिर NVR आप ले रहे हो तो उसका एक डेटा शीट होगा, तो डेटा शीट के अंदर भी आपको W मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिले तो भी टेंशन मत लो, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीज़ भी कैसे कैलकुलेट करनी है बता देता हूँ। तो मोटा मोटी हम ये समझते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हमारा DVR वो कितना लेता है। करीबन एक DVR या NVR 5 वॉट के आसपास का कंजप्शन करता है, डेटा शीट में देख सकते हैं, ये मैंने नॉर्मली बताया है। कोई भी कैमरा, अगर मैं कैमरे की बात करूं तो वो भी करीबन 4 वॉट के आसपास का कंजप्शन करता है, ओके? और अगर जो LED या LCD है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर अगर आप 32 इंच की या 30 इंच की अगर LED ले रहे हैं तो करीबन 50 वॉट, अगर 42 इंच में जा रहे हैं तो करीबन 80 वॉट, और 50 प्लस में जा रहे हैं आप 50-55 के आसपास में तो 100 वॉट। ये भी अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, गूगल के अंदर भी ये जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं। और अगर आपके पास में बॉक्स है तो बॉक्स के ऊपर या फिर पीछे की साइड में जो डिवाइस अगर LED है तो LED में जहाँ पर आप एडेप्टर लगाते हैं तो वहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका
वॉट मिल जाएगा आपको, तो इनको आपको कैलकुलेट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक छोटा सा सिस्टम समझते हैं, वो छोटे से सिस्टम के अंदर मैंने 4 चैनल का एक DVR लिया हुआ है, तो 4 चैनल का जो DVR है उसका हमारा जो कंजप्शन है पावर का वो 5 वॉट है। हमने वहाँ पर 4 कैमरे लगाए हैं, अगर 4 वॉट का उसका कंजप्शन है तो 4 × 4 तो 16, और इसके बाद में आपने वहाँ पर एक 32 इंच की LED लगा दी है तो वहां पर अपना 50। सो अगर हम तीनों की टोटल कर लें तो यहां पर आपको मिला 5 वॉट प्लस 16 प्लस 50, तो ये जो टोटल होता है वो 101 वॉट का जो कंजप्शन है वो हमारा यहां पर जाने वाला है। तो यहां पर अगर आप एक इन्वर्टर ले रहे हैं तो जितने भी लोग इन्वर्टर परचेस करते हैं तो मिनिमम 1 kVA का इन्वर्टर परचेस करते हैं। 1 kVA मतलब हो गया 1000 वॉट, ओके, यानी कि यहां पर आप 1000 वॉट तक का लोड यहां पर डाल सकते हैं। तो ये तो जस्ट CCTV का हुआ। अगर वो जो क्लाइंट है आपके, अगर वो कोई फैन या फिर इस तरह से भी उसमें ऐड करना चाहते हैं तो हर किसी का एक वॉट होता है, वो इसके अंदर प्लस करते जाओ, आप यहां पर 700-800 वॉट तक का लोड एक 1 kVA पर आप डाल सकते हैं, तो यहां पर ये इतना सपोर्ट कर लेगा। अगर आपको कोई भी रीजन की वजह से अगर वॉट नहीं पता चल रहा है तो आप एडेप्टर तो यूज करते ही है, ओके, तो एडेप्टर के अंदर आपका मैक्सिमम वॉट कैलकुलेशन आ जाएगा। वो कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल आप एक DVR के लिए 2 एम्पियर 12 वॉल्ट का एडेप्टर यूज करते हैं, तो 2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 12 V मल्टीप्लाइड बाय I, मतलब अगर वॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर करेंगे तो आपके पास में W मिल जाएगा आपको, ओके? तो यहां पर हम एक एडेप्टर यूज कर रहे हैं DVR के लिए, तो DVR के लिए हो गया हमारा 2 × 12, और अगर यहां पर आप पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं तो पावर सप्लाई के लिए क्या होगा, अगर आप 4 कैमरे की पावर सप्लाई कितनी होती है 5 एम्पियर × 12, तो 5 × 12 कर लीजिए, ओके। इस तरह से भी आपके पास में एक W की कैलकुलेशन आ जाती है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। वो ज्यादा इस वजह से क्योंकि इसके अंदर ये जब भी एडेप्टर बनाए जाते हैं तो एडेप्टर के अंदर मैक्सिमम अपनी सेफर साइट रखी जाती है, ओके, क्योंकि एक DVR लगा रहे हैं तो DVR के अंदर एक हार्ड ड्राइव भी लगनी है। अगर DVR का आपका कंजप्शन W जो आ रहा है वो 5 आ रहा है तो कहीं ना कहीं 5 वॉट उसका भी होगा, जो इसके अंदर हार्ड ड्राइव लग रही है उसका भी होगा, तो 10 के आसपास आ रहा है, और प्लस वो थोड़ा सा जो एडेप्टर होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही वॉट का लगाया जाता है, ज़्यादा ही एम्पेयर का लगाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे डिवाइस हमारी चलती है 1 महीना 5 महीना 1 साल 2 साल, तो इसके बाद में उसके ऊपर जो लोड है उसका कम होने लगता है और इधर का बढ़ने लगता है, तो इस वजह से सेफर जो साइट होती है वो इस तरह से बनाई जाती है। तो ये मैक्सिमम हो गया, अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो वो मैक्सिमम साइड होगी, ओके, तो भी आपका वॉट एक तरह से नॉर्मली आपको मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जितने भी डिवाइसेज हैं उसके अंदर W लिखा हुआ होता है, तो उसके थ्रू ही आप चलिए। अगर आपके पास में नहीं है तो फिर आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने एक डिसीजन ले लिया कि हमें कौन सा इन्वर्टर लगाना है, 1 kVA का लगाना है या 2 kVA का लगाना है, तो हमारे पास में लोड जो है वो तो काफ़ी कम है तो हमारा 1 kVA से काम चल जाएगा, ओके। अब बात आती है यहां पर हमारे सामने कि बैकअप की। अब बैकअप किस पे डिपेंड करता है? बैकअप डिपेंड करता है आपके पास में बैटरी कौन सी है। जैसे कि हम मोबाइल के अंदर, मोबाइल तो हमने हाई फीचर्स ले लिए लेकिन वो कितने घंटे चलेगा एक बार चार्ज करने के बाद में, वो डिसाइड करती है बैटरी, ओके। तो यहां पर आप जो बैटरीज लेते हैं इन्वर्टर के अंदर वो ज्यादातर 120 एम्पियर या फिर 150 एम्पियर की बैटरी आती है, 12 वोल्ट 150 एम्पियर या 12 वोल्ट 120 एम्पियर। तो यहां पर हमने एक बैटरी ले ली 12 वोल्ट 150 एम्पियर की, AH इसका जो सिंबल होता है वो 150 AH बोला जाता है बैटरी को। तो चलिए फटाफट से हम इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमें कितना बैकअप मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमें यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डिस्चार्जिंग करंट, मतलब कि हमारा यहां पर बैटरी के अंदर कितना करंट जाने वाला है। तो उसकी कैलकुलेशन इस तरह से होगी कि आपका जो कंजप्शन है, मतलब हमारे पास में यहाँ पर एक नॉर्मली कंजप्शन आ रहा है 101 वॉट का, डिवाइडेड बाय 12 वॉल्ट की बैटरी है तो 12 से इसको डिवाइड कर लेंगे। अगर हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में एक फिगर आ रहा है 8.41, ओके। तो ये जो 8.41 है वो हमारा डिस्चार्जिंग करंट है, ओके, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये कैलकुलेशन है वो करनी है। तो ये हमारा डिस्चार्जिंग करंट हमारे पास में 8.41 आ गया। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी 150 एम्पियर की जो बैटरी है वो कितने घंटे चलेगी, ओके। तो ये जो डिस्चार्जिंग करंट 8.41 आया तो हमें 150 एम्पियर डिवाइडेड बाय 8.41 करना है,
तो यहां पर जो आ रहा है वो आइडियली हमारा बैकअप टाइम है, मतलब यहां पर क्या आ रहा है हमारा 17.85, मतलब कि हमारी जो बैटरी है अगर मैं इस तरह से लगाऊं तो 17 घंटे या 18 घंटे के आसपास हमको बैकअप मिलेगा आइडियली, थियोरेटिकली, ओके। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब भी हम कोई चीज इस तरह से यूज करते हैं, बैटरी जो होती है जब पावर इस तरह से यूज होता है या फिर वो डिस्चार्जिंग करंट के हिसाब से यूज हो रहा है तो उसका 40% लॉस हो जाता है, ओके। तो जो आपकी बैटरी चार्ज हो रही है और जब वो डिवाइस चलने वाली है तो उसके अंदर 40% आइडियली, ये थंब रूल है, आप समझ लीजिए कि 40% पावर लॉस हो जाएगा। तो यहां पर वापस कैलकुलेशन क्या आएगी कि अगर थियोरेटिकल में चलूं तो 17 घंटे का बैकअप मुझे मिलेगा, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो 40 / 100 17.85, तो ये करीबन हमारा 7.41 का जो फिगर आ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि आपकी जो बैटरी, अगर मैं ये 150 एम्पियर की लगाऊं, 1 KVA का इन्वर्टर लगाऊं, अगर इतना मैं इसके ऊपर लोड दे रहा हूं तो 7 से 8 घंटे का बैकअप आपको मिनिमम मिल जाएगा। तो आप कोई भी सिस्टम का इस तरह से आप आराम से, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, आप आराम से निकाल सकते हैं कि आप कौन सा इन्वर्टर, कितने एम्पियर की बैटरी लेंगे तो आपको कितने घंटे का बैकअप मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो कैलकुलेशन है काफी इजी है, आप इजीली इसको समझ पा रहे होंगे, ओके। और इसको अप्लाई करिए, आपको ये वीडियो अच्छे से मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा डीप में था लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप ज़रूर इस चीज़ को समझ गए होंगे और आप इजीली इस तरह से कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन्वर्टर वर्सेज ऑनलाइन UPS। जी हाँ, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मैं ऑनलाइन UPS के बारे में भी बात करने वाला हूँ, तो हम डिफरेंस देखेंगे कि ऑनलाइन UPS क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, और इन्वर्टर क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। सो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नई टेक्नोलॉजी को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।